हम लोगों ने चैप्टर 2 के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट कर रखा है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई डायग्राम दिखने में आपको। अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है तो इससे पहले भी मैंने आपको डायग्राम है वैसे बना करके सेंड कर भी दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो अपन यहाँ पे उनके ऑर्गन से रिलेटेड स्टडी करेंगे, ठीक है। ऑर्गन्स आपको पता है, यहाँ देखिए ये क्या है, जैसे माउथ है ना, फिर माउथ किस में ओपन होता है, बक्कल केविटी के अंदर ओपन हो रहा है, या क्या प्रेजेंट है, स्लेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्लियर है ना इतनी बात। अब देखिए जैसे यहाँ पे, जैसे ये इसोफेगस है, ये स्टमक में ओपन होगी तो यहाँ पे ऐसे रिंग पाई जाएगी, यहाँ पर भी रिंग होगी, यहाँ पर भी ऐसे रिंग होती है, यहाँ पर भी रिंग प्रेजेंट होती है। तो ये जो रिंग होती है ना, इनको अपन बोलते हैं स्फिनेटर। क्या बोलेंगे? स्फिनेटर बोलेंगे, जिनकी स्टडी हम बाद में कर लेंगे, कि एक मस्कुलर रिंग होती है जो फूड को इसोफेगस से स्टमक में तो एंटर होने देती है, लेकिन स्टमक से वापस इसोफेगस में जाने नहीं देती है। तो इनकी स्टडी तो अपन बाद में करते जाएंगे जैसे जैसे स्ट्रक्चर करेंगे। अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आज जिस स्ट्रक्चर्स को करेंगे वो होगी माउथ, ठीक है। माउथ आराम से देखिए, माउथ आपको पता है, अपन माउथ जो होता है, एक तो होता है इसमें अपर लिप्स, क्या है अपर लिप्स, एक क्या होता है लोअर लिप्स। माउथ के अंदर टू लिप्स होते हैं, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स। फिर अपर लिप्स और लोअर लिप्स है वो आपस में क्या होते हैं, ओपन होंगे, तभी अपन फूड को क्या करेंगे, इनटेक करेंगे। तो माउथ हैज द टू लिप्स, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स। ये तो हो गया अपर लिप, ये हो जाता है लोअर लिप, ठीक है इतनी बात। और थ्रू द अपर लिप्स एंड द लोअर लिप्स टू इनटेक द फूड। तो द लिप्स ए माउथ इज ए बोवेल शेप, इसकी शेप कैसी होती है, बोवेल शेप होती है। देन द माउथ ओपन इन ए केविटी, दिस केविटी इज नोन एज द बक्कल केविटी। माउथ एक केविटी में ओपन हो रहा है, उस केविटी को क्या बोलते हैं, बक्कल केविटी बोलते हैं। तो अब देखिए बक्कल केविटी में क्या क्या सिचुएटेड है, बक्कल केविटी डाइजेशन नहीं करे, स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करे। बक्कल केविटी के अंदर टू तो पैलेट है, PALATE, पैलेट, जिसको अपन बोलते हैं तालू, अपने घर पे बोलते हैं ना पैलेट प्रेजेंट। तो एक तो होता है अपर पैलेट, क्या होता है अपर पैलेट, एक क्या होता है लोअर पैलेट। जो अपर पैलेट होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, और लोअर पैलेट क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बक्कल केविटी में कितने पैलेट होते हैं, टू पैलेट होते हैं, अपर पैलेट और लोअर पैलेट। आपके जो टंग है, ऐसा आप इसको ऊपर की तरफ ऐसे टच करवाते हो, तो टंग को जब अपन ऊपर की तरफ टच करवाते तो हार्ड है ना, बिल्कुल हार्ड पार्ट है, तो ऊपर वाला हार्ड पार्ट क्या हो गया, हार्ड पार्ट है, तो हार्ड पैलेट हो गया। नीचे वाला क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है। और देखिए और बक्कल केविटी में क्या सिचुएटेड है, आपको दिखाई दे रहा होगा बक्कल केविटी में टंग है क्या, टंग, बक्कल केविटी में क्या सिचुएटेड होती है, टंग सिचुएटेड होती है। अब देखिए जो टंग मस्कुलर फ्री फॉर्म, मस्कुलर फ्री फॉर्म इन द बक्कल केविटी इज नोन एज द टंग। अपने जो टंग होती है इसके आगे वाला हिस्सा है ये तो होता है फ्री, अपन इसको मूव करवा सकते हैं। पीछे वाला जो हिस्सा होता है ये किससे जुड़ा हुआ रहता है, फेरिंग से अटैच रहता है। द पोस्टीरियर पार्ट अटैच टू द फेरिंग्स एंड द फ्रंट पार्ट आर फ्रीली। अपन जैसे अपने टिथ है, टंग है, टिथ है, उससे भी अपन टच करवा सकते हैं टंग को, अपना जो अपर पैलेट है, लोअर पैलेट है, अपने माउथ के अंदर राउंडेड, उसको राउंड, जो टंग होगी उसको राउंड करवा सकते हैं, राउंडेड फ्री फॉर्म है। फिर देखिए जो टंग होती है ना, टंग के ऊपर ऐसे ऐसे, आप अपनी टंग को जब मिरर में देखोगे तो आपको ऐसे ऐसे स्पॉट दिखाई देंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे स्पॉट बने हुए रहते हैं अपनी टंग पे। वो जो स्पॉट होते हैं ना, उन स्पॉट को क्या बोलते हैं, टेस्ट बड। फॉर
द आइडेंटिटी ऑफ फूड टेस्ट, फॉर द आइडेंटिटी ऑफ फूड टेस्ट, ठीक है। टंग पे द टेस्ट बड सिचुएटेड ऑन द टेस्ट बड सिचुएटेड ऑन द टंग फॉर द आइडेंटिटी ऑफ द फूड टेस्ट। अब देखिए फूड का जो टेस्ट है, अब टेस्ट आपको भी पता है बीटर है, शोर है ना, खट्टा होता है, कड़वा होता है, ये सभी तो होते हैं ना। अब आपको टंग की स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने बना रखी है, टंग का देखिए ये वाला पार्ट तो है फ्री पार्ट, पीछे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, पोस्टीरियर पार्ट। ये कौन सा हो गया, पोस्टीरियर पार्ट, और ये कौन से पार्ट होते हैं, लेटरल पार्ट। क्या होते हैं, लेटरल पार्ट होते। अब देखिए इसका जो फ्री वाला पार्ट है, टंग का जो फ्री वाला पार्ट है, टू आइडेंटिटी द स्वीट एंड साल्ट, किस फूड की आइडेंटिटी करता है, स्वीट एंड साल्ट, फ्री फॉर्म वाला, ठीक है। जो लेटरल वाला होगा ये किस फूड की आइडेंटिटी करेगा, लेटरली साइड है ना, श्योर खट्टा, ठीक है। क्या बच गया, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर किसकी आइडेंटिटी करेगा, बीटर की। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है, कौन सा पार्ट किसकी आइडेंटिटी करता है, फ्री स्वीट यानी मीठा नमकीन की, लेटरल वाला खट्टे की, और पीछे वाला पोस्टीरियर वाला किसकी करता है, बीटर की आइडेंटिटी करता है। तो ये टंग की बात होगी। बक्कल केविटी में एक कंप्लीट क्या हो गया, टंग, फिर उसके बाद में क्या कंप्लीट हो गया, पैलेट। अब देखिए आप, आपने अपने टंग को ऐसे देखा होगा कि आप देखिए, मैं एक बार ऐसे करके दिखाती हूँ, जैसे टंग है ये वाले, ये अपर पैलेट है, आप इसको क्या मान के चलो, अपर पैलेट मान के चलो, ये टंग है। देखिए टंग ऐसे ऐसे ये मूव है, अपनी जो टंग होगी वो अपन जैसे टंग को ऐसे ऊपर, ऐसे ऊपर लेंगे, तो यहाँ से देखिए ऐसे जुड़ी हुई ऐसे है टंग, ये अपनी टंग मूवेबल हो रही है ना, मूवेबल, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये आपका लोअर पैलेट होगा, इसको अपन क्या मान ले, लोअर पैलेट, ये टंग को मूवेबल कर रहे हैं अपन, तो जो टंग होगी ये, अब देखिए यहाँ से मैंने इसको हटा नहीं रखा ना, यहाँ से देखिए ऐसे ये मूवेबल तो कर रही है, ऐसे मूवेबल हो रही है चारों तरफ, ऐसे भी मूवेबल कर रही, लेकिन यहाँ से मैंने इसको क्या कर रखा है, टच कर रखा है, यानी कि ये लोअर पैलेट है, लोअर पैलेट से टंग अटैच है, लोअर पैलेट से टंग क्या रहती है, अटैच रहती है, लोअर पैलेट से टंग अटैच है, उस पार्ट को बोलते हैं फ्रेनुलम, फ्रेनुलम लिंगुअल, फ्रेनुलम लिंगुअल। इसका आप इजली से आप खुद का जो फेस है वो मिरर के पास लेके जाओगे, अपने माउथ को ओपन करोगे और आपके जो टंग है ना उसको अपर पैलेट से टच करवाओ, टंग को किससे अटैच कराओ, अपर पैलेट से अटैच करो, तो आपके जब टंग अपर पैलेट को टच करेगी तो यहाँ पे आपको एक बॉन्डिंग दिखाई देगी, यानी कि टंग है लोअर पैलेट से बॉन्डिंग किए हुए, तो टंग का जो पार्ट लोअर पैलेट से बॉन्डिंग किया हुआ रहेगा, जैसे देखिए मैं बनाऊं एक बार, मैं टंग को ऐसे ऊपर उठा दूं, ये जैसे टंग थी ना, तो मैं इसको ऐसे बना दूं ऊपर की तरफ ऐसे, और ये हो गया लोअर पैलेट, ये इससे जुड़ी हुई है ऐसे, ठीक है। तो ये अटैच करवाने वाला पार्ट कौन सा है, फ्रेनुलम लिंगुअल। तो आप ध्यान में रखोगे टंग लोअर पैलेट को अटैच किए हुए है, जिसका नाम क्या है, फ्रेनुलम लिंगुअल होता है। अब उसके बाद में और देखिए बक्कल केविटी के अंदर, बक्कल केविटी में क्या प्रेजेंट है, जा, जो प्रेजेंट है ना, अपर जो एंड लोअर जो, क्या होता है, अपर जा एंड लोअर जा। अच्छा अब आप मैं वीडियो को देखते देखते अपने जो जा है उसको मूवेबल कीजिए, हाँ मूवेबल करवाए, अब बताइए कौन सा मूवेबल हो रहा है, अपर वाला हो रहा है कि लोअर वाला हो रहा है, आपको खुद को ही फील होगा कि अपना जो लोअर जा होता है ये मूवेबल है, लोअर जा कैसे अपना मूवेबल होता है जबकि अपना अपर जा क्या होता है, फिक्स होता है, ये हिलता नहीं। इतनी बात ध्यान में हो गई, चलिए फिर अपन मैं जैसे जा बना देती हूँ, एक बार आपके सामने मैंने ऐसे जा बना दी, ये लीजिए और ये लीजिए, ये मैंने जा बना दी, अपर जा और लोअर जा बना दी, देखिए। अब यहाँ पर बीच बीच में इनमें सॉकेट है, जगह है, क्या लगे हुए, सॉकेट है, ऐसे जगह बना दी ना, देखिए मैंने,
बीच बीच में मैंने ये क्या बना दिए, सॉकेट बना दिए, ये लीजिए सॉकेट। ऐसे मैं इसमें भी सॉकेट बना दूं, इसके सॉकेट ऐसे बन गए। तो ये जो सॉकेट बने हैं ना, इन सॉकेट को बोलते हैं गम। जा जा के अंदर सॉकेट प्रेजेंट होते हैं, उन सॉकेट को क्या बोलते हैं गम, और गम के अंदर क्या सिचुएटेड होते हैं टिथ। इन सॉकेट में क्या लगे हुए होंगे, टिथ। सबकी सेप क्या हो जाएगी, तो सॉकेट में क्या लगते हैं टिथ। तो टिथ आर अरेंज्ड ऑन द सॉकेट ऑफ जा, या टिथ आर अरेंज सॉकेट ऑफ जा इज नोन एज द गम, इज नोन एज द गम। मसूडे, हिंदी में क्या बोलते हैं, मसूडे बोलते हैं इनको। चलिए अब अपन बात करते हैं टिथ लेते हैं। टिथ कहाँ अरेंज होते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया था टिथ जा में अरेंज्ड होते हैं। जा बोल सकते हो, या जा के जो सॉकेट होते उसमें बोल सकते हो। द अरेंजमेंट ऑफ द टिथ ऑन द सॉकेट, द अरेंजमेंट ऑफ द टिथ ऑन द सॉकेट इज नोन एज थीकोडोंट, इज नोन एज थीक। आपसे पूछ ले कि थीकोडोंट क्या है, तो आप क्या बताओगे, द अरेंजमेंट ऑफ टिथ ऑन द सॉकेट ऑफ जा इज नोन एज द थीकोडोंट। ए फिर अपन बात करते हैं डाइफोडोंट, डाइफोडोंट। देखिए डाइफोडोंट का मतलब ये होता है, इन द ह्यूमन टिथ आर ओरिजिनेट टू टाइम इन द होल लाइफ, टिथ आर ओरिजिनेट टू टाइम इन द होल लाइफ। तो डाइफोडोंट का मतलब क्या हुआ कि टिथ कितनी बार ओरिजिनेट होते हैं, टू बार ओरिजिनेट होते। ये बात आपको पता है, टू बार में एक तो कौन से हो गए, मिल्क टिथ, क्या हो जाते हैं मिल्क टिथ, और एक क्या हो जाते हैं परमानेंट टिथ, परमानेंट टिथ। ठीक है, मिल्क टिथ और परमानेंट टिथ। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पहले कौन से टिथ होते हैं, मिल्क टिथ होते हैं, उनकी फॉलिंग हो जाती है। मिल्क टिथ की फॉलिंग होने के बाद में जो टिथ का ओरिजिनेट हुआ है उन टिथ को क्या बोलते हैं।